वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरा दिमाग घुमा दिया मेरा, तो मुझे वो क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे अभी। तो सबसे पहला यहाँ पर है, अननोन सोल का है, प्रोफेसर एक्स पे मेगा TL2 टिकट यूज़ करते कर सकते हैं क्या? भाई मेरे भाई मेरे भाई, मैंने उस दिन वीडियो अपलोड किया था प्रोफेसर एक्स का जो मैंने परचेस किया था। उस परचेस के वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि TL2 प्रोफेसर एक्स डेंजर रूम खेलने से मिल जाएगा डायरेक्ट। हमें उसके ऊपर एक भी अपग्रेड किट या कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो TL2 नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद में TL2 हो गया, उसको लेना है, अपग्रेड करना है, उसके स्किल्स को अपग्रेड करना है, उसके बाद में उसको आईसोट देना है, ऑब्लिस देना है, उसके बाद में वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में ले जाके उसको पोटेंशियल इंक्रीज करवाना है, इंक्रेस करवा के फिर उसको उसके गियर्स को 25 तक लेके जाना है, उसके बाद में 60-70 ये सब प्रोसेस करने के बाद में जाके वो TL3 के लिए रेडी होगा, जो कि मैंने कल ही वीडियो डाला, मैंने प्रॉपरली पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। अब जिन लोगों को अकल है समझ है वो उसको देख कर सीख सकते हैं क्या दिया क्या नहीं दिया, क्रिटिकल डैमेज कितना दिया, एनर्जी अटैक वाले उरू कितना दिया, आईसेट कौन कौन से लगाया, कौन कौन से आईसेट लगाने चाहिए थे और कौन से लगाए हैं, वो सब कुछ नोटिस कर सकते हो। एक नॉर्मल बंदा भी नोटिस कर सकता है आराम से, बिल्कुल देख देख के सोच समझ के। जिसको पढ़ना और देखना आता है वो आसानी से समझ सकता है इजीली। आगे का तो हाँ, मैं वो बात पूरी रहेगी तो पूरा बोल देता हूँ। देखो, अभी अगर आपने डेंजर रूम का पैक, मतलब जो वो प्रोफेसर एक्स का जो पैक है वो खरीद लिया, तो डेंजर रूम में जाओ, वहाँ पे खेलो डेली के डेली, चैलेंजेस कंप्लीट करो, आपको TL2 डायरेक्ट करके मिल जाएगा प्रोफेसर एक्स। ओके, नेक्स्ट आगे की बात। अलायंस में आना है, ठीक है, प्लेस अगर खाली होगा तो देखता हूँ, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम। उसके बाद में सेम वही कमेंट, उसके बाद में ये क्या नाम है, लोन वोल्फ गेमिंग, भाई मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन किसी और बंदे ने भी पूछा था सेम यही क्वेश्चन, मैं बता देता हूँ, एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ, 1750 में कोई भी यूनिफॉर्म मत खरीदना, क्योंकि अभी कोई यूनिफॉर्म सेल चालू नहीं है, तो उस वजह से कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करना, चाहे वो लल्ले का हो या पल्ले का हो या लल्लू का हो, किसी का भी हो, डोंट परचेस यूनिफॉर्म। 1750 वाले यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी परचेस मत करना, जब तक यूनिफॉर्म सेल आ नहीं जाता, 1050 में आ नहीं जाता, तब तक कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करना, चाहे वो 1750 के ही क्यों ना हो, चाहे वो जेंग्री का हो, चाहे वो वोल्वरी का हो, चाहे वो मैग्नेटो का हो, चाहे वो थैनोस का हो, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर का हो, कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करना जब तक यूनिफॉर्म सेल नहीं आता, तब तक कोई भी यूनिफॉर्म परचेस मत करना, क्रिस्टल टोटल वेस्ट हो जाएंगे, आपको जो डिस्काउंट चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, बाकी के जो यूनिफॉर्म आप और ज़्यादा खरीद सकते हो उस वो भी आपके क्रिस्टल वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट वेस्ट ऑन योर क्रिस्टल विदाउट यूनिफॉर्म सेल ऑन ब्ला 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 ब्ला, समझ गया ना? नहीं समझे, अभी मत खरीदना जब तक यूनिफॉर्म सेल नहीं आता तब तक। भाई कैसे इंक्रेस करे जेंगर का पोटेंशियल, ओए होए होए होए, वीडियो तो सही सर्च किया है, चलो अच्छी बात है, वीडियो सही सर्च किया है, वीडियो भी सही देखा है, बस वैसे ही करना है जैसे करते आए हो, थोड़ा 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 टाइम लगेगा, क्योंकि नेट मार्बल वालों ने और गेम डेवलपर्स ने सेटिंग कर रखी है जेंगर की, ताकि वो बहुत स्लो 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 इंक्रेस हो। ये उन लोगों को जामुझ के ऐसा कर रहे हैं, मुझे पता है, ये इनका सब गेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी है गेम ज़्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए। भैया प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब करो, 400 प्लस सब्सक्राइबर, ओके ओके ओके। भाई जेंग का हाउस ऑफ एक्स यूनिफॉर्म खरीदूँ या पुराने वाली PVP के लिए? देखो कोई भी लो, खतरनाक तो वो है ही, चाहे वो यूनिफॉर्म का साथ हो चाहे वो बिना यूनिफॉर्म के हो, खतरनाक तो वो है ही। तो देखो आपको जो पसंद है, जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको यूजेबल लगता है हर कंडीशन में, वो यूनिफॉर्म ले लो, अपग्रेड करो और मजे लो। चाइनीज भाषा में लिखा है, अभी इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा। भाई मैंने तो अपने से 6 कॉस्ट्यूम नहीं खरीदे प्रोफेसर एक्स के लिए, वेरी गुड। इसने इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करना और पेशेंस रखना, धैर्य रखना, ये बंदे ने धैर्य रखना सीख लिया, वेरी गुड।
बाकी लोगों को भी सिखाओ, क्योंकि बाकी लोगों को बिल्कुल भी धैर्य रखना, पेशेंस रखना बिल्कुल भी आता नहीं है। आज क्रिस्टल है, आज सिटी पे, अरे मैं किसको दूँ किसको दूँ, अरे थोड़ा धैर्य रख भाई, जमा कर ले पहले, सेव कर ले, कैरेक्टर ढूंढ ले पहले उस लायक कि वो CTP को धारण कर सके। मतलब जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को धारण करने वाला थानोस था, ठीक वैसे ही CTP को धारण करने वाले कुछ खास कैरेक्टर है, तो खास कैरेक्टर को भी ढूंढ के निकालो पहले, CTP बाद में देना, CTP पड़ा रहेगा, CTP कहीं नहीं जा रहा। आगे का विपुल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, वेलकम। उसके बाद में भाई जेंग्रे इज़ द बेस्ट Tier 3 और नॉट, मैं ऐसा बोल तो नहीं सकता, लेकिन जब तक उसका गार्ड ब्रेक चालू है, पेट्रेशन उसके पास में है, तब तक वो ठीक है। जैसे उसका पेट्रेशन ख़त्म हुआ, जिस दिन ख़त्म हुआ, उसकी माँ बहन एक करदे में कोई टाइम नहीं लगाएगा कोई भी, सच में वो पेट्रेशन की वजह से इतनी पावरफुल है, नहीं तो उसकी ऐसी की तैसी हर एक कैरेक्टर कर सकता है। ओके ओके ओके, सेम वही क्वेश्चन है। उसके बाद में भाई मेगा Tier 2 टिकट मिलेगा जब करूँगा? ओके एक मिनट, अब्दुल मेरे भाई, अब्दुल खान भाई, ऐसा नहीं होता, इसमें एक प्रोसेस है। प्रोफेसर इसका पैक लिया 4500 क्रिस्टल का, उसके बाद में डेंजर रूम में जाके खेलना पड़ेगा, खेलने के बाद में वहाँ से डायरेक्ट Tier 2 करके मिलेगा, मतलब खेलने से मिलेगा, बिना खेले नहीं मिलेगा, तो उसके लिए खेलना पड़ेगा कंटिन्यू, उसके बाद में Tier 2 मिल जाएगा, उसके बाद में फिर उसके स्किल्स अपग्रेड करना है, ऑब्लिस्क अपग्रेड करना है और कस्टम गियर अपग्रेड करना है, उसको देना है, सेट करना है, उसके बाद में फिर गॉडबॉस अल्टीमेट ले जाके वहाँ पर पोटेंशियल लेवल इसकी इंक्रीज करना है 100% तक, उसके बाद में उसकी लेवल को 60-70 करना है, उसके बाद में उसके गियर्स को 20-25 तक करना है, जो कि कल के वीडियो में मैंने करके दिखाया। अगर दिमाग थोड़ा सा चल रहा हो, बराबर सही तरीके से वीडियो देख रहे हो प्रॉपरली, तो आपको डायरेक्टली Tier 2 मिल जाएगा, उसके ऊपर मेगा Tier 2 टिकट यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई मेगा Tier 2 टिकट का यूज़ किस पे करना है, निक फ्यूरी और लूना स्नो, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिन पे यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई भी उसके लायक नहीं है, अभी तक तो ऐसा कोई कैरेक्टर पैदा नहीं हुआ है जो उसके लायक हो। फिर से वही कमेंट अब्दुल भाई, फिर से एक बार बोलता हूँ, अभी भी किसका यूनिफॉर्म परचेस मत करो, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सेल आने का है, यूनिफॉर्म सेल आएगा तब बता दूंगा, तब तक वेट करो। अभी अगर आपने कोई भी यूनिफॉर्म परचेस किए 1750-2050 तो पूरे क्रिस्टल वेस्ट हो जाएंगे और रिवार्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो क्रिस्टल आपके 1050 में हो रहे हैं वो आपको 700 क्रिस्टल एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो आपको इसमें लॉस है। नेक्स्ट Tier 3 मैं अभी नहीं करने वाला, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि और भी ज़्यादा रिसर्च करनी है कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि CTP रेज के साथ में कैरेक्टर अच्छा खेलते हैं, मेरे पास वो है नहीं, तो उस वजह से मुझे थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। गेम के अंदर जाके दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ काम की नहीं है, ठीक है देख लेते हैं। प्रोफेसर एक्स का पैक के बारे में थोड़ा दो वर्ड बोल देता हूँ, हो जा चालू। डेंजर रूम के अंदर जाना है, उसके बाद में यहाँ पर जो पैक है इस पैक को खोलना है, देखो इस पैक को परचेस करने के बाद में यहाँ पर देखो Tier 2 करके मिल जाएगा प्रोफेसर एक्स, ये देखो ये रहा प्रोफेसर एक्स XX1 दिखा, ये वाला
यहाँ पर डेंजर रूम खाली खेलने से ही तुमको प्रोफेसर एक्स डायरेक्ट टीयर टू मिल जाएगा। तुमको उस पर बिल्कुल भी अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो टीयर टू नहीं हो जाता। तब तक टीयर टू होने के बाद में फिर खर्चा करो, दिल लगा के करो, मन लगा के करो, जो लगा के करना है कर लो, उसके बाद में करना है। तब तक तुमको वेट करना है, जब तक वो टीयर टू नहीं हो जाता तब तक। तो टीयर टू कैसे करना है, सिर्फ डेंजर रूम में खेलना है डेली के डेली जब तक वो यहाँ पर आ नहीं जाता। ये रिवॉर्ड एक्सेप्ट करना है, ये रिवॉर्ड में ही दिया हुआ है टीयर टू डायरेक्टली, समझ गया। तो यहाँ पर डेंजर रूम का पार्टिसिपेट करना है और प्रॉपरली सही तरीके से खेलना है। मैंने जैसा डेंजर रूम खेल के दिखाया सेम वैसा ही करना है। मैंने वीडियो दिखाया, डाला है, मैंने अपलोड किया है, उसको प्रॉपरली सही तरीके से देखो और वैसा ही प्ले करो तो हो जाएगा। यहाँ पर बाकी के जो क्रिस्टल है उसको मैं कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में फिर डेंजर रूम का ख़त्म। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, देखो अभी अगर आपने लास्ट डेज में या जो प्रोफेसर एक्स का जो पैक है वो अगर समझो उसके लिए एक दो दिन ही बचे हैं लास्ट डेज, उसमें अगर आपने परचेस किया तो वो आपको एक्स्ट्रा 60 डेज देगा ही देगा आपको चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ मेरे इसमें यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, कहाँ गया वो, हाँ ये देखो 54 डेज है मेरे पास अभी भी, है कि नहीं। परचेस करने के बाद भी 54 डेज दे रहा है वो मुझे कंप्लीट करने के लिए। सेम आपको भी अगर आपने लास्ट डे भी परचेस किया, लास्ट एक या दो दिन का भी आपने परचेस कर लिया एक या दो दिन में लास्ट के, तो वहाँ पर आपको 60 डेज देगा वो प्रॉपरली आपको क्लियर करने के लिए। तो बिल्कुल भी चिंता करने की वाली बात नहीं है, आराम से परचेस करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, जल्दी करना है, जितना जल्दी करूँगा उतना ज़्यादा फायदे में, क्योंकि जल्दी परचेस कर लिया तो आप टेंशन फ्री रहोगे कि कोई टेंशन नहीं अभी 60 दिन मुझे मिल गए अब मैं आराम से क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये पैक ख़त्म हो गया उसके बाद में आपने परचेस करने की कोशिश की तो ये कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है, कहीं पे भी नहीं, नेवर नो नहीं, कहीं पे भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको दिन दिए गए उस दिन के अंदर ही इसको परचेस करना, ठीक है। अभी नॉर्मल लोगों के इसमें क्या दिखा रहा है पता नहीं, जैसे जिनने परचेस नहीं किया है उनके इसमें कितने दिन बचे वो मुझे पता नहीं अभी कितने दिन बचे, तो वहाँ पर वो दिन शो करेगा। अब मैंने परचेस कर रखा है तो मुझे 54 डेज दिखा रहा है, ये मैंने परचेस करने के बाद है। तो परचेस करने के बाद में अलग से वैलिडिटी देगा जो कि 60 दिन की होगी। लास्ट डे अगर आप परचेस भी करते हो तो आपको ये पूरे के पूरे 60 दिन देगा, उस 60 दिन में आपको चैलेंजेस कंप्लीट करने हैं। ओके समझ में आ गया, तो आराम से जाओ परचेस करो, क्रिस्टल जमा करो और दूसरों को भी ये बताओ। बहुत से लोग गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं और जल्दबाजी करते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करो कि जल्दबाजी ना करो और आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्रिस्टल कलेक्ट करो, कैरेक्टर को 50-60 लेवल का करो, जो आपको कर सकते हो आपके लेवल के बस में, जो आपके बस में वो करो, लेकिन करो। और घर में पड़े हो, कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ देख लो, मैंने कम्युनिटी टैब पर डाल रखा है, वहाँ पर कुछ एनिमेटेड सीरीज़ की लिस्ट दी है, एवेंजर्स की, अल्टीमेट स्पाइडरमैन की, हल्क स्मैश की, और मूवीज़ का नाम दिया मैंने, एवेंजर्स 1, 2, 3, 4, उसके बाद में हल्क की मूवीज़ पुराने वाली, उसके बाद में आयरन मैन 1, 2, 3, कैप्टन अमेरिका 1, 2, 3, थॉर 1, 2, 3, और सो ब्लैक विडो, उसके ब्लैक विडो की आर भी आने की है, कैप्टन मार्वल की स्पाइडरमैन 1, 2, उसके बाद में और बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आप देख सकते हो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1, 2 ही है, उसके बाद में और क्या था, बहुत सारी मूवीज़ है यार, आराम से देख लो, एनिमेटेड सीरीज़ भी है, आराम से देख लो, 21 दिन में बहुत हो जाता है इतना सीरीज़, ठीक है। जाओ आराम से देखो, एंजॉय करो। लिंक चाहिए गूगल पे जाके सर्च कर लो, हिंदी में कोई ना कोई वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेगा ही। ठीक है, और कुछ यूनिफॉर्म दिखाना था, यूनिफॉर्म सेल अभी आने का है, जब तक आ नहीं जाता तब तक चुपचाप बैठो, और जैसे आएगा मैं बताऊंगा तब टूट पड़ना, ठीक है, वेट करो अभी। और अभी बिल्कुल भी परचेस मत करना, चाहे कितनी भी क्रिस्टल क्यों ना हो, परचेस मत करना अभी, तो परचेस बिल्कुल भी मत करना। जिसने परचेस किया उसको मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं हेल्प भी नहीं करूँगा उसको, ना मैं कोई उसकी कोई हेल्प करूँगा, ना मैं उसको कुछ बोलूँगा, जो करना है करते बैठो। अगर सीधे तरीके से मान नहीं सकती भी, टेढ़ा तरीका मुझे आजमाना पड़ेगा। चालीस चालीस फुल है, अभी सीट खाली नहीं है, जब होगा तब बता दूंगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। एंड घर में रहो, सुरक्षित रहो, साफ सफाई रखो और अपने आसपास की चीज़ें मोबाइल वगैरह सब कुछ साफ करते रहो, बिल्कुल क्लीन रहो और लोगों से दूरी बना रखो, डिस्टेंस रखो और सोशल डिस्टेंसिंग का सही मतलब से दूरी बना के रखो, बिल्कुल भी चिपकने का नहीं है। वो सोना बाबू वाला कांड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। दूरी बनाए रखो, जितना हो सके उतना साफ रहो, घर के अंदर रहो और टीवी देखो, मोबाइल देखो, एनिमेटेड सीरीज देखो, गेम खेलो, इंडोर गेम खेलो, फैमिली के साथ बातचीत करो, पुराने यादें है वो याद करो, जब फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम कब मिले थे वो सीन याद करो, पुराने दिन याद करो, मोबाइल पे बात करो, वीडियो कॉलिंग करो, बहुत कुछ है करने को घर के अंदर ही। करो, सेफ रहो और दूसरों को भी सेफ रखो। धन्यवाद।